ठीक है ओके okay. इसको अच्छे से लर्न कर लो. इफ एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फिक्स होता है. जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में कर्सल है वहां पे देखो 4-2 और 6-4 सेम ही होता है. सिमिलरली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी यानी मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. क्लियर? हाँ. ऐसे ही सपोज करो, ऐसे ही कहीं पे है एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या फिक्स होगा? रेशो बीवाई सेकंड अपॉन फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड. तो इक्वल ये भी आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए मिडिल टर्म का. हाँ, तो इफ ए बी सी आर इन अरिथमेटिक मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, इफ ए बी सी इन ज्योमेट्रिक मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म. सर ओके. हाँ सर ठीक है. क्या डाउट था इसके अंदर बताओगे? एक बार मेरे को डिस्कस कर लेते हैं. तुम्हें कोई डाउट है तो इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन था? अरिथमेटिक वाला. ओके अच्छा यार, हाँ एक मिनट एक मिनट, वन पॉइंट और. यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कई जगह पे पी भी लिखा हुआ है. हाँ, तो ये एक्चुअली ये हमें पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? लाइक एनसीआर. तो देखो एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल. डन. ऐसे ही एक टर्म हम लोग ये भी यूज करते हैं, एनपीआर. सो व्हाट इज एनपीआर? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो इसमें डिवाइड में क्या नहीं आ रहा एक्स्ट्रा? आर फैक्टोरियल. तो इसमें डिवाइड में फैक्टोरियल नहीं आता है. एनपीआर एक्चुअली P4 परमुटेशन होता है और C4 कॉम्बिनेशन होता है. C4 कॉम्बिनेशन, P4 परमुटेशंस, ये दोनों एक सेपरेट चैप्टर है. परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वहां पे यूज होते हैं. तो क्या यूज होता है इनका, वो वहीं पे पढ़ेंगे हम लोग. अभी तुम इतना देख लो बस, NPR इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 11. 11, एक सेकेंड देखते रुको. ओके, NC4, NC5, NC6 आने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्वेश्चन है. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. तो देखो NC4, NC5 और NC6 अरिथमेटिक में है, तो इसका मतलब एबीसी अरिथमेटिक में तो मिडिल टर्म का डबल यानी कि 2 times NC5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. डन. अभी प्रॉब्लम क्या है ना, NC4 और NC6 इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग. यहाँ पे NC4 प्लस NC5 होता तो हेड सेम एंड टेल में डिफरेंस 1, तो फिर प्रॉपर्टी यूज होता वहां पे. हाँ, अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, केवल यही कर सकते हो कि इसको ओपन कर दो. सो 2 times n फैक्टोरियल अपॉन 5 factorial n माइनस 5 factorial इज इक्वल टू n फैक्टोरियल 4 factorial n माइनस 4 factorial प्लस n फैक्टोरियल 6 factorial n माइनस 6 factorial. n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कैंसिल आउट. क्लियर? ओके. अभी एक चीज समझो तुम लोग, ये जो 6 factorial है ना, इसको ब्रेक करते हैं हम लोग 6 into 5 into 4 factorial. डन. इस 5 factorial को ब्रेक किया 5 into 4 factorial, तो 4 factorial 4 factorial 4 factorial कैंसिल आउट. डन.
अब मेरे को आप ये बताओ n माइनस फाइव, n माइनस फोर और n माइनस सिक्स, इनमें से किसे ब्रेक करोगे आप? n माइनस सिक्स और n माइनस फाइव. बेटा n माइनस फोर को ब्रेक करोगे, लार्जर n माइनस फोर है. n माइनस फोर और n माइनस फाइव को. हाँ, n माइनस फोर. n माइनस फोर इंटू n माइनस फाइव इंटू n माइनस सिक्स फैक्टोरियल. सिमिलरली n माइनस फाइव इज n माइनस फाइव इंटू n माइनस सिक्स फैक्टोरियल. क्लियर? तो देखो n माइनस सिक्स फैक्टोरियल, n माइनस सिक्स फैक्टोरियल एंड n माइनस सिक्स फैक्टोरियल कैंसिल आउट. डन. अभी ये बताओ मेरे को फाइनली रिमेनिंग क्या है जस्ट यहाँ पे? टू बाय फाइव इंटू एन माइनस फाइव. ओके, इज इक्वल n 0 1 n minus 4 into n minus 5 plus 1 by 6 into 5 30. Huh. 1 by 30. Just 1 by 30 बस. अब ये सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को. अब ये सॉल्व कैसे करोगे आप? ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना कर्सर जहां पे है, इसको लेफ्ट में ले आओ. करो, स्टार्ट करो, कर लो इसको भी सॉल्व कर लो. सिंपल क्वेश्चन है. LCM is 5 times n minus 4 into n minus 5. Done. तो ये हो गया अभी 2n minus 8. यार ये कर सकते हो ना आप सॉल्व इसे? करो जल्दी से, करो सॉल्व. ये 6 टाइम्स कैंसिल हो गया अभी. So this is 2n minus 13 upon n minus 4 into n minus 5. ये तुम लोग को समझ में आ रहा है? पूरा ये सॉल्यूशन ब्लैंक पेज पे लिखूं मैं? बताओ सर. आ रहा है इसको ब्लैंक पेज पे बता सॉल्व करना है तो बता सकते हो. अच्छा, गैलेक्सी J7 किसका है? ये गैलेक्सी J7 किसका है बताओ. मैं इसको रिमूव कर दिया. सर मेरा है. क्या नाम है तुम्हारा? आयुष. आयुष, अच्छा वही आयुष क्या? हाँ सर. यार तुम तो आज फर्स्ट लेक्चर आए हो ऐसा लग रहा है मुझे. सर नहीं था मैं पहले. ओके ओके ओके, ठीक है. तो तुम्हारे बैकग्राउंड में थोड़ा यार नॉइज हो रहा है ना, तो अभी म्यूट कर लो. कोई डाउट है तो बताना. ओके ठीक है. चलो तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको. सो दिस इज 12n माइनस 78 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस 20. तो ये क्वाड्रेटिक बन गया अभी. माइनस 9n प्लस माइनस 12n यानी माइनस 21n प्लस 98 इज इक्वल टू 0. अंजलि समझ में आ रहा है आपको? सर माइनस 17n आएगा ना? हाँ उधर 2n है सर. बेटे 6 इंटू 2 है ये, 6 इंटू 2 12n हो गया ना.
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ना अभी, 6 इनटू 2 एंड 12 एन, हां तो 12 एन प्लस 9 एन 17 एन आता है ना नीचे एकदम यहां पे लास्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एन स्क्वायर माइनस 2। अरे यार 12 प्लस 9 21 होता है, क्या बोल रहे हो? समझे? स्क्रीन पे नोट मत करो आप लोग। एनी डाउट? तो इसके फैक्टर्स होंगे अभी n माइनस 7 इंटू एन माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 14। क्लियर सर? 12 प्लस 9 21 कैसे आया? अरे यार 12 प्लस 9 कितना होता है? 17 ना सर। 17 करके देखो सर आप एक बार, 17 आ रहा है। 12 प्लस 5 17 होता है यार, इसको समझाओ। ये 9 है, ये 5 है, 9 है। अरे 12 प्लस 9 है ना 21। श्रवण स्क्रीन में मत लिखो यार, है ना, दिखता है इधर जो लिखता है। ठीक है, तो अंजलि डन, समझ आया आपको? हाँ सर। सो फाइनली n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू 14 यानी कि 14। तो इसमें क्या आंसर आएगा बताओ एबीसीडी में से अभी? आई एम मस्ट बी 7 ऑप्शन बी बी 7 मामा जी बैगन जरा अर्दी की जरा बाहर। चलो मैं इसको रफ करता हूँ अभी सर। और बताओ सर, 3, 4 और 5 में भी, अच्छा 5 आ जाएगा शायद, 3 और 4 में डाउट है। थ्री एंड फोर बेटा, 3 तो सिंपल है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करो आप, ऐसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको। लाइक सपोज इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है ऑलवेज एन ऑड इंटीजर, ऑप्शन सी इज परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्लियर? सपोज करो मैं n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 प्लस 2 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 इंटू 1 इज 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल 2, 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल 1 यानी कि 2। तो ये आ गया है 8 अपॉन 2 यानी कि 4। ओके, इसका मतलब ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी आ सकता है। एन इज इक्वल टू कोई और वैल्यू पुट करो, सपोज करो पुट कर रहे हैं 2, सो 2 प्लस 2 4 फैक्टोरियल 24 प्लस 2 प्लस 1 3 फैक्टोरियल 6, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल 1, 6 इंटू 1 इज 6 अपॉन 2 प्लस 1 3 फैक्टोरियल 6, 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल 1 यानी कि 6। सो 30 अपॉन 6 इज 5, ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया, तो क्या आंसर? बस सर, लेकिन आंसर आंसर सर एक बार फर्स्ट वाला भी बताना, एक सेकंड बताते रहो क्या बोल रहे हो। आंसर की में उन्होंने सी दिया है, नहीं सी तो रॉन्ग आंसर है, सी रॉन्ग है, ऑप्शन डी आएगा इसके सर। एक बार फोर्थ वाला बताना बेटा, ये तो हो जाने, तो 2 मिनट रुक तो जाओ। हाँ एक सेकंड करते हैं, सारे क्वेश्चंस करते हैं जो भी तुम्हें डाउट है सर। क्लियर स्क्रीन पे बताओ ना। चलो क्लियर स्क्रीन पे बताते हैं, ठीक है ये नोट कर लो बस एक बार।
तुम्हें कोई भी इश्यू है तुम बोल दिया करो, ऐसे बोलोगे नहीं तो फिर मेरे को नहीं पता चलता है। क्लियर स्क्रीन पे बता दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक कंसेप्ट समझने का ट्राई करो तुम लोग अभी, है ना। देखो क्वेश्चन के अंदर था 2 to the power n, इंटू 1 × 3 × 5 × 7, 2n-1 इस तरीके से कुछ क्वेश्चन के अंदर है वहां पे। क्लियर। अब एक कंसेप्ट समझने का ट्राई करना, यहाँ पे हम लोग 2n फैक्टोरियल इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर। तो व्हाट इज 2n फैक्टोरियल? सबसे पहले 2n, बहुत ध्यान समझना है ना, तभी समझ आएगा ये आपको। फिर 2n-2, फिर 2n-3। सर लेकिन हम 2n फैक्टोरियल को क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्योंकि ऑप्शंस के अंदर 2n फैक्टोरियल था, इसलिए सारे ऑप्शंस के अंदर 2n फैक्टोरियल है, तो देखना वहां पे। हाँ हाँ, इसलिए ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट डिक्रीज होते होते कहां तक जाने वाला है बताओ? 1 1 1 x ओके 0 1 हां सर 1। तो 2n फिर 2n-1, फिर 2n-2, फिर 2n-3 ……… 1 तक। क्लियर। अब आप थोड़ा ये समझने का ट्राई करो, देखो ये ऑड नंबर है, 2n एक इवन नंबर होता है, कोई भी इंटीजर है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो इवन नंबर्स बन जाते हैं। इवन नंबर्स कैसे बने? इवन नंबर्स को बनाने के लिए जो नेचुरल नंबर्स है ना, उनको 2 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। लाइक 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 2 फॉर्म होता है, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 4 फॉर्म होता है, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 6 फॉर्म होता है। क्लियर। और ये सभी को पता होना चाहिए, इवन नंबर माइनस वन ऑड नंबर, तो ये एक ऑड नंबर है। सिमिलरली ये भी एक ऑड नंबर है, ऐसे ही देखो ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। क्लियर। ऑड नंबर्स में से क्या होता है ना, 2 कॉमन नहीं आता कभी भी, लाइक 3, 5, 7, 9, 11, 13, इनमें से 2 कॉमन नहीं आएगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, जितने भी ऑड नंबर्स है ना वो सारे सेपरेट किए मैंने, तो ऑड नंबर्स हैं 2n-1, 2n-3, ऐसे कम करते 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 कहां तक ऑड नंबर मिलेंगे मेरे को? 3, 1, 3, 1। अभी कौन से नंबर्स रिमेनिंग है यहाँ पे बताओ? ऑड इवन, इवन नंबर्स। ओके ठीक है। अच्छा यहाँ पे टोटल फैक्टर्स कितने हैं वो बताओ? यहाँ पे 2n, 2n हाँ। लाइक 1 to 10 फैक्टोरियल 10 नंबर्स होते हैं, 1 to 100 फैक्टोरियल 100 नंबर्स होते हैं, ऐसे ही 1 to 2n फैक्टोरियल 2n नंबर्स हैं। अच्छा ओके okay. अब मेरे को एक पॉइंट ये भी बताओ, 1 to 100 तक कितने ऑड नंबर्स हैं? 100 ऑड नंबर्स, 50 50। इवन नंबर्स भी कितने हैं? 50 50। तो सिमिलरली 1 to 2n तक ऑड नंबर्स कितने हैं? 2n/2n, मतलब n, तो एक्चुअली ये n नंबर्स हैं। अभी n नंबर्स और रह गए यहाँ पे, वो सारे इवन नंबर्स हैं। क्लियर। और वो इवन नंबर्स हैं कौन से यहाँ पे? 2n, 2n-2, 2n-4, ….… 6, 4, 2। Any doubt? Okay. अब सुनो ध्यान से, इवन नंबर्स की स्पेशलिटी क्या होती है? इवन नंबर्स में से 2 कॉमन आता है, लाइक 1, 2 यहां से कॉमन आएगा, यहां भी 2 कॉमन आएगा, यहां भी 2 कॉमन आएगा, इधर भी 2 कॉमन आएगा, इसमें भी 2 कॉमन आएगा, इसमें भी 2 कॉमन आएगा। तो हर्षवर्धन टोटल कितने 2s कॉमन आएंगे? 10 2s। हाँ, तो ये हो गया 2 to the power n, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। क्लियर सर। 2 to the power n इवन 2s कैसे आए? अरे यार, एक 2 ये कॉमन आ गया, एक 2 इसमें से कॉमन आएगा, एक 2 इसमें से कॉमन आएगा। अच्छा, तो वो सब मल्टीप्लाई होंगे? हाँ बिल्कुल, सब मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं लोग। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 10 times 2 to the power 10, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 n times 2 to the power n।
रिमेनिंग क्या है वो बताओ, 2n में से 2 कॉमन कितना रिमेनिंग है? n 2n minus 2 में से 2 कॉमन कितना रिमेनिंग है? n minus 1 2n minus 4 में से 2 कॉमन कितना रिमेनिंग है? n minus 2 6 में से 2 कॉमन कितना रिमेनिंग है? 3 4 में से 2 कॉमन कितना रिमेनिंग है? 2 2 में से 2 कॉमन कितना रिमेनिंग है? 1 कोई बता सकता है ये क्या लिखा हुआ है? n factorial n factorial odd numbers है. आया समझ? हाँ अब सुनो ध्यान से. तो एक्चुअली ये रिजल्ट होता है और ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट पता होना भी चाहिए. 2n factorial is equal to 2 to the power n into n factorial into remaining odd numbers. इस तरीके से ओके. अभी क्वेश्चन के अंदर है 2 टू द पावर n इनटू ऑड नंबर्स. सो क्लियरली 2 टू द पावर n इनटू ऑड नंबर्स विल बी इक्वल टू 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल. क्लियर? हर्षवर्धन एनी डाउट? सर कैसे आया n 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल? अरे यार डिवाइड कर दिया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हां 2 टू द पावर. हां समझ. क्वेश्चन है ना वो, तो क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर ये पोर्शन है. हां समझ. क्वेश्चन के अंदर ये पोर्शन है. सो दिस पोर्शन इक्वल टू दिस अपॉन दिस. अरे यार लाइक 5x इज इक्वल टू 15 तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 3. हां तो आपने डिवाइड किया ना 5 को. हां बस वही तो है ये. सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर n इनटू n फैक्टोरियल इन ब्रैकेट. इन ब्रैकेट क्या सर? गलत हो. इन ब्रैकेट कुछ भी नहीं लिख सकते आप. इसको 2n माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स नहीं है ये. हाँ ठीक है सर, नोट कर लो. ये रिजल्ट डायरेक्ट लर्न करके रखना इंपॉर्टेंट है. 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इनटू n फैक्टोरियल इनटू ऑड नंबर्स. हां क्या तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं देखो इसके ऊपर. Like 100 factorial equals to 2 to the power 50 into 50 factorial into सारे odd numbers 1, 3, 5 dot 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 कहां तक जाएगा ये? 99 तक ऐसे. इसे नोट करो फिर रिमूव करते हैं इसको, है ना. ओके नोटेड. थैंक्स सर. चलो नोट हो गया होगा मुझे लगता है अभी.
चलो के रिमूव करता हूँ इसको मैं भी, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, एक काम करो स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो टाइम वेस्ट नहीं होगा हम लोगों का। हाँ सर एक मिनट। ठीक है ये एग्जांपल लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है आपको। ये जनरल फॉर्म में है इन फॉर्म ऑफ एन और ये नंबर्स फॉर्म में है, तो ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट आपको। और कोई डाउट है बताओ इसके अंदर शीट में अभी। सर फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन इज n प्लस 2c8 रेशो n माइनस 2p4 इज इक्वल टू 57 रेशो 16। n प्लस 2c8 रेशो n माइनस 2p4 इज इक्वल टू 57 रेशो 16। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है देख लेते हैं, अगेन इजी क्वेश्चन है। सो एन प्लस टू सी एट रेशियो एन माइनस टू पी फोर इज इक्वल टू 57 रेशियो 16। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है, जिससे इसको आप ओपन ही करना पड़ेगा आपको भी ये। सो एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अपॉन अपॉन में आने वाला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्लियर। और क्योंकि वो अपॉन में तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस स्टेप में किसी को डाउट है? ये एनपीआर है, बताया था एनपीआर के अंदर आर फैक्टोरियल नहीं आता है, जस्ट एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, बट वो डिवाइड में था तो उसका रेसिप्रोकल हो गया, ये कैंसिल। अभी आप n प्लस टू फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे, हाँ n प्लस टू n प्लस वन n और फिर आएगा n माइनस वन और फिर आएगा n माइनस टू फैक्टोरियल अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल आउट 8 फैक्टोरियल और इज इक्वल टू में है यहां पर 57 अपॉन 16। तो ये हो गया b। अच्छा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। ठीक है पेन में प्रॉब्लम आ रही है, चल क्यों नहीं रहा है। एक सेकेंड।
सो नेक्स्ट एन प्लस टू एन प्लस वन एन इंटू एन माइनस वन इज इक्वल टू 57 अपॉन 16 इंटू 8 फैक्टोरियल. क्लियर? इसको आप लिखो 57 अपॉन 16 इंटू 8 फैक्टोरियल इज 8 इंटू 4. अभी ध्यान से सुनना थोड़ा सा, है ना, ये अभी क्या थोड़ा इसमें हमें माइंड यूज करना पड़ेगा एक्चुअली. 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 16 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे. रिमेनिंग है अभी 57, 7, 6, 5, 4, 3. क्लियर? और ये सब किसके इक्वल है? एन प्लस टू एन प्लस वन इंटू एन और एन माइनस वन. इस स्टेप तक किसी को भी डाउट है तो बताओ. यहां तक किसी को भी डाउट है? अब देखो यार, इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं करोगे कि यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करोगे, कि सबको मल्टीप्लाई आप करते हो ना तो ये 4 डिग्री इक्वेशन बन जाएगा, और 4 डिग्री इक्वेशन सॉल्व करना अभी हमें नहीं आता है. हर्षवर्धन समझ रहे हो? अब सुनो ध्यान से, n प्लस टू एन प्लस वन एन और n माइनस वन ये एक्चुअली 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना? तो यहां पे भी आप 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स फॉर्म करोगे अभी इन सबको यूज करके, और उन सबके अंदर जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा ना वो n माइनस वन के इक्वल आएगा, और जो सबसे ग्रेटेस्ट आएगा वो n प्लस टू के इक्वल आएगा. तो थोड़ा दिमाग लगाओ अपना यहाँ पे, और इन सारे मल्टीप्लीकेशन को 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स में एक्सप्रेस करने का ट्राई करो, देखते हैं कौन करता है पहले. सर 57 को 19 इंटू 3 लिख सकते हैं, और फिर यूज करना पड़ेगा आपको, यूज करना पड़ेगा क्योंकि 57 मैं करता हूं तो मेरे को फिर 54 58 ये सब चाहिए, वो है नहीं यहां पे. तो सर 57 को 19 इंटू 3 लिख सकते हैं, फिर 3 इंटू 6 18 आता है. ठीक है, ओके आगे. और सर और एक 3 आता है तो 3 इंटू 5 15. सर 5 इंटू 4 आता है 20. देखो ये तो 19 कंफर्म है. ये 20 आप यूज कर लो. ओके आगे. 7 इंटू 3 21. यूज कर लो और इसको 18 यूज कर लो, तो ये हो गया 18 19 20 और 21. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. इसका मतलब n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 18. So finally, n is equal to कितना आंसर है? 19. बिल्कुल ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई मत करना है वरना हो नहीं पाएगा क्वेश्चन, ये 4 डिग्री इक्वेशन बन जाएगा. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं इसको हटाता हूं अभी. ओके मैं इसको रिमूव कर रहा हूं अभी. यस सर. नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में डाउट है बताओ. सर 9 14. 9 and 1 4. हाँ सर. बेटा 9 तो सिंपल है बेटे, ये जो नेगेटिव वाला टर्म है ना इसको लेफ्ट में ले आओ, इस नेगेटिव टर्म को लेफ्ट में ले आओ और इस टर्म को राइट में ले आओ, तो यहाँ पे दोनों के हेड सेम हो जाएंगे और डिफरेंस इन टेल 1 हो जाएगा. सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व करना है? वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा यार, वो तो कोई तरीका नहीं है उसका, उसका तो केवल एक ही मेथड है, आप प्रैक्टिस करो बहुत सारे क्वेश्चंस का तो आपको फिर समझ में आने लगता है. ऐसा नहीं कि मैं एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करके आया हूँ, लेकिन मेरे को दिख रहा था कि इसको लेफ्ट में लेके आना चाहिए, तो जब तुम इसको लेफ्ट में लेके आओगे ना तो ये बनेगा 39C3R-1 + 39C3R,
दोनों के हेड सेम है, टेल में डिफरेंस है 1, सो हेड विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, 40 40 C3R is equal to 40 C R square. R square done. अब आप प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करोगे. प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर क्या था, या तो बोथ टेल सेम या फिर टेल्स का समेशन इज इक्वल टू हेड. सर मतलब R इज इक्वल टू 3 या 0 फैक्टराइजेशन. बेटा जब भी कैंसिल आउट करते हैं ना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाते हैं, ध्यान रखना. जब भी आप कैंसिल आउट करते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाते हैं, तो जीरो भी लिखना पड़ेगा आपको. मतलब जैसे भी इसको कैंसिल करोगे ना जीरो भी लिखोगे, क्योंकि आर इज इक्वल टू जीरो पर जीरो और ये भी जीरो. सो आर इज इक्वल टू जीरो और आर इज इक्वल टू 3, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको. ये बात ऑप्शंस में नहीं आता है इसका सॉल्यूशन. एक सेकंड देखते हैं. 2R है बेटा, 40 है ना ये तो सिंपल है. 8 प्लस 5 हो गया. हाँ, इसके फैक्टर्स कर सकते हो आप. R प्लस 8 इंटू R माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो R इज इक्वल टू माइनस 8 या फिर 5. अभी देखो माइनस 8 तो आंसर आ नहीं सकता, क्योंकि माइनस 8 पर ये माइनस 24 हो जाएगा, तो माइनस 8 एक्सेप्टेबल नहीं है. जीरो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जीरो माइनस 1 इज माइनस 1. 3 एक्सेप्टेबल है क्या? बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 3 पे सारे नंबर्स पॉजिटिव ही हैं. और 5 भी एक्सेप्टेबल है. हाँ सर, शायद सॉल्यूशन में रॉन्ग आंसर दिया था. नहीं, सॉल्यूशन में देखो R इज इक्वल टू 3 आ सकता है, R इज इक्वल टू 5 आ सकता है. दो आंसर वैलिड है, R इज इक्वल टू 3 और R इज इक्वल टू 5. मल्टीपल कर. एक मिनट. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन बोला है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ R. सॉल्यूशन नहीं पूछा आपसे, आपसे नंबर ऑफ वैल्यूज पूछे हैं. तो कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं? 2. तो इसका आंसर आएगा B. इसलिए बोलते हैं यार, क्वेश्चन ध्यान से देखना चाहिए मैथ्स में ना. तो सॉल्यूशन नहीं पूछा उसने, उसने नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है. सो फाइनली R इज इक्वल टू 3 और R इज इक्वल टू 5. अच्छे क्वेश्चन है सारे यार, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं शिप में. चलो भी हो गया डिस्कशन पूरा. सर 14 सर 14 हाँ सर 14 बताना. ये तो एक कंसेप्ट है यार पूरा, इसको मैं बताता हूँ, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये एक्चुअली एक कंसेप्ट है, ये एडवांस में आया था क्वेश्चन. ठीक है, समझते हैं इसको. तो इसको ब्लैंक पेज पे समझाना पड़ेगा मुझे, तो मैं निकालता हूँ ब्लैंक पेज. थोड़ा ध्यान सुनना है ना. अभी जैसे ए एन क्या है, सिग्मा 1 अपॉन एन सी आर, आर इज इक्वल टू 0 टू एन. क्लियर? और मेरे को वैल्यू फाइंड करना है आर अपॉन एन माइनस आर, आर इज इक्वल टू 0 टू एन का. अब पहले तो आप ये एक्चुअली सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है, ये हम लोग बाद में बताते हैं, लेकिन तुम अभी इसको समझ लो अच्छे से. देखो होता क्या है ना, सिग्मा, ध्यान सुनना, कोई डाउट है तो पूछना. n माइनस आर अपॉन एन सी आर और r अपॉन एन सी आर ये सेम ही होता है. ये लिखा क्या हुआ है बताता हूँ, एक बार इस स्टेटमेंट को नोट करने दो मेरे को. ठीक है, अच्छा सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन. हमें ये नोट करना है एक बार, मेरे को पहले बताने दो पहले ना अच्छे से, फिर नोट करना. अभी लेफ्ट वाला टर्म देखो आप, सबसे पहले आप r इज इक्वल टू कितना पुट करोगे इसके अंदर? 0. यानी ये बन गया n अपॉन एन सी 0. क्लियर? Then R is equal to 1. So n minus 1 upon n c 1. Sigma means summation. Then R is equal to 2. N minus 2 upon n c 2. Then R is equal to 3. और सबसे लास्ट में R is equal to n. यानी कि 0 upon n c 0. अच्छा उसके पहले R is equal to कितना पुट करना है? Minus 1. N minus 1. तो n minus 1 यानी कि 1.
अपॉन क्या हो रहा होगा एन सी एन माइनस वन। ये तुम्हें समझ में आया ना वन कैसे आ रहा है इस तरीके से। तो देखो ये आपका लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन हो गया। अभी राइट साइड वाला एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करो आप थोड़ा ध्यान से। ओके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आर इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? जीरो। डन। देन आर इज इक्वल टू वन। देन आर इज इक्वल टू टू। सबसे लास्ट में आर इज इक्वल टू एन। और उसके पहले क्या पुट करोगे? n-1। ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ ये लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और ये राइट साइड एक्सप्रेशन सेम है या डिफरेंट है? सेम है। एक सेकंड। सेम है। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। यहाँ पे आपने n पुट किया है सबसे लास्ट में। तो ये लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन और राइट साइड एक्सप्रेशन एक्चुअली सेम ही है। ध्यान से देखो, देखो ये लिखा हुआ है एन अपॉन एन सी जीरो, कर्सर वहां पे देखना, और ये है n अपॉन एन सी एन। अब सबको पता है एन सी आर और एन सी एन माइनस आर सेम ही होता है, यानी एन सी जीरो विल बी इक्वल टू एन सी एन। तो ये टर्म और ये टर्म सेम है। ऐसे आप ये टर्म देखो n माइनस वन अपॉन एन सी वन और n माइनस वन अपॉन एन सी एन माइनस वन, एन सी वन विल बी इक्वल टू एन सी एन माइनस वन, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। समझ आया? तो ये टर्म भी सेम है। अब ये टर्म देखो लास्ट टर्म जीरो अपॉन एन सी एन और जीरो अपॉन एन सी जीरो, ये भी सेम है बिकॉज एन सी एन इक्वल टू एन सी एन माइनस एन। तो ये टर्म भी सेम है। अब ये टर्म देखो वन अपॉन एन सी एन माइनस वन और वन अपॉन एन सी वन, ये टर्म भी सेम ही आएगा। समझ आया? तो ये टर्म भी सेम है। क्लियर? तो ये इसका प्रूफ था। अब इसका आगे क्या करना है वो देखो ध्यान से। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि सिग्मा एन माइनस आर अपॉन एन सी आर इक्वल टू क्या आता है? सिग्मा आर अपॉन एन सी आर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो एन अपॉन एन सी आर माइनस सिग्मा आर अपॉन एन सी आर। सिग्मा क्या होता है? प्लस माइनस में सेपरेट हो जाता है, मतलब जैसे यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है ना, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो सिग्मा को। ओके हाँ। नहीं समझ में आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है बताओ? सिग्मा को सेपरेट कर सकते हैं मतलब कैसे यार? इसका बेटा तो एक चीज समझने का ट्राई कर। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। मेरे को आप ये बताओ अमित राज की कहीं पे ये लिखा हुआ है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट, तो मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता क्या वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन और टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट, नहीं लिख सकता क्या बताओ? लिख सकते हैं सर। हाँ तो बेटा सिग्मा का मतलब समेशन ही होता है ना। मैंने सेपरेट नहीं किया, सेपरेट कर दिया मैंने। मैंने ऑड नंबर को सेपरेट किया, इनको सेपरेट कर दिया। ओके ओके। हाँ तो सिग्मा का अभी इसमें एक्चुअल में करा क्या आपने, ये टर्म सेपरेट कर दिए होंगे, दिस टर्म सेपरेट करोगे, ये टर्म सेपरेट कर दिया है। तो चाहे तुम एक साथ ऐड कर दो सबको, वरना अलग अलग सेपरेट करके ऐड कर दो, सेम ही होता है वो। ओके सर। हाँ लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, ये चीज समझ लो कि सपोज करो ऐसे होता, ठीक है, तो ये सेपरेट नहीं होता, ऐसे नहीं लिख सकते आप। ये लिख सकता हूं क्या बताओ? नहीं सर, मल्टीप्लिकेशन में। हाँ तो ध्यान रखना सिग्मा मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेपरेट नहीं होता, प्लस माइनस में सेपरेट हो जाता है। बस आपका आंसर आने वाला है और क्या। सर हम an is equal to 1 plus 1 upon n। बताओ अच्छा ये टर्म नेगेटिव है, इसको यूजिंग ट्रांसपोजिशन में राइट में लेके आ रहा हूं, चलता है? तो ये माइनस राइट में क्या बनेगा? प्लस। Yes. अब ये और ये सेम ही है, तो एप्पल प्लस एप्पल यानी टू एप्पल्स। हाँ तो ये हो गया अभी टाइम सिग्मा आर बाय एन।
यार तुम एक चीज समझो, सिग्मा से डरना नहीं होता, सिग्मा का मतलब ये कि बहुत सारे नंबर्स का समेशन है वहां पे, बस इतना समझ के चलो। तो सपोज करो 1 to 100 तक का समेशन ये है और 1 to 100 तक का समेशन ये है, तो राइट में आकर के यही बन गया ना 2 times 1 to 100 तक का समेशन। हाँ, हाँ तो वही है, बस ये वही है, वही है। अब एक चीज ये समझ लो, छोटा सा एक पॉइंट, आप मेरे को ये बताओ कि कहीं पे ये लिखा हुआ है लाइक ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए, इसमें से क्या कॉमन कर सकते हो आप? डन डन, ठीक है। अब ये बताओ यहां पर इस जगह पर सिग्मा किसके ऊपर अप्लाई, वेरिएबल कौन है यहाँ पे? आर। इसका मतलब एन तो हर टर्म में, मतलब एन तो हर टर्म में सेम ही रहेगा ना न्यूमरेटर में, लाइक ये बनेगा एन अपॉन एन, कॉमन आ जाएगा। बस बस ये समझने वाला पॉइंट है, एन कॉमन आ जाएगा। तो देखो ये सिग्मा के प्रॉपर्टीज होते हैं एक्चुअली, सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में सेपरेट नहीं होता, और सिग्मा के अंदर कोई कांस्टेंट है वो कॉमन आ जाता है। क्योंकि सपोज करो 1 to 100 तक समेशन लिखा हुआ है और सारे टर्म्स के अंदर यदि मैं मल्टीप्लाई एन करता हूँ 1 into n + 2 into n + 3 into n + 4 into n up to 100 into n, तो क्या मैं इसमें से एन कॉमन ले सकता हूँ क्या? अरे नहीं आ रहा क्या समझ में भाई? 1 into n + 2 into n + 3 into n + 4 into n up to 100 into n, तो n कॉमन नहीं आएगा क्या? आएगा। बस तो वैसे भी तो ये भी कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है यहाँ पे? आर। हाँ इसलिए आर। बस बस इतना समझ में आ गया तुम लोगों को, काफी है। तो इसका फाइनल स्टेप बस ये है अभी कि और सिग्मा 1/NCR, क्लियर? इज इक्वल टू, अब देखो ये आर कॉमन नहीं ले सकते आप क्योंकि ये चेंज हो रहा है, इसलिए आया समझ? हाँ, तो जो चीज कॉन्स्टेंट होती है ना वही कॉमन आती है। दिस एक्सप्रेशन तो ये हो गया एन इंटू ए एन अपॉन ये आंसर है। तो आप एक काम करो, ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट लर्न करके रखो, ये एक्सप्रेशन, एक तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन केवल इस क्वेश्चन में काम आता है, बाकी इस एक्सप्रेशन का और कोई यूज नहीं है। ये प्रॉपर्टी 6 करके लिखे नोटबुक में? हाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हो। इसे डायरेक्टली रिमेम्बर करें ना? हाँ बेटा इसको डायरेक्ट लर्न कर लो, वरना तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए पूरा प्रूफ करना पड़ेगा हमेशा। पहले ये सब लिखना पड़ेगा, फिर ये सब लिख के यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आओगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये मैं जो बोल रहा हूँ और स्क्रीन पे जो तुम लोगों को दिख रहा है, इसमें कुछ लैग आ रहा है क्या? नहीं नहीं तो बेस्ट है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी। और कोई डाउट है? हाँ इतना नोट कर लो, दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट,
मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा चाहो तो, है ना। डन सर, आप शेयर कर दो। हाँ मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो यार, कर दूंगा। और कोई काम है तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ। हो गया बस सर, 15th वाला। 15th ये पढ़ेंगे हम लोग अभी, बाइनोमियल के अंदर आएगा ये, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज होगा इसमें, वो बताऊंगा बाद में। सर लेकिन वो ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि 17 टू द पावर 2009 और 7 टू द पावर 2009 की 7 इक्वल आ जाए, यानी सेम यूनिट डिजिट आएगा तो कैंसिल हो जाएंगे, और फिर 1 की कोई भी पावर तो 1 ही आती है, इसलिए 1 आएगा आंसर। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली 7 17 27 यार होता क्या है ना, यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट ही रेस्पॉन्सिबल होता है, यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट ही रेस्पॉन्सिबल होता है। लाइक कहीं पे ये लिखा हुआ है 2, 3, 5, 4, 6, 7 की पावर लेट से 213, ठीक है, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए केवल ये रेस्पॉन्सिबल है बस, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट सेम ही आएगा, आया समझ? हाँ, अब ये यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें, है ना। यूनिट डिजिट एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट डिजिट ही पढ़ेंगे, 10th डिजिट भी पढ़ेंगे हम लोग, 100th डिजिट भी पढ़ते हैं, तो इनके काफी दो साइकिल ऑफ 7 ऐसा कुछ है ना, साइकिल ऑफ 4 7। हां हां वो होता है, कुछ होता है, मैं अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो उसके बाद में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो डाउट, और कोई डाउट है तो बताओ। सर 16 तो आर स्क्वायर का क्या यूज भाई, क्या बात कर रहे हो तुम, क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ओके तो क्वेश्चन था आर स्क्वायर इनटू 15 सी आर अपॉन 15 सी आर माइनस 1 आर इज इक्वल टू 1 to 15, ठीक है। तो देखो ये तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, बताया था एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर 16 माइनस आर आर, करेक्ट। ओके तो ये हो गया अभी आर स्क्वायर टाइम्स आर इज इक्वल टू 1 to 15 16 माइनस आर अपॉन आर, और ये आर कैंसिल, क्लियर? ऐसे कैसे? अरे यार ऐसे कैसे का मतलब क्या है, ये आर कैंसिल हो गया। हाँ 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 हाँ, यानी आर स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में था। हाँ मल्टीप्लिकेशन में ही है यार, और कहाँ पे जाएगा, कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ये कैंसिल नहीं होता क्या? हाँ हाँ, अब सुनो अभी r is equal to 1 to 15, remaining है r into 16 minus r. अब actually इसमें थोड़ा सा क्या sequence and series का concept use होगा, मैं तुम्हें बताने का try करता हूँ थोड़ा सा। ये है r is equal to 1 to 15, correct? ये हो गया अभी 16 r minus r square, clear? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि sigma plus minus में separate होता है, तो इसे क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा 16 आर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 to 15। कोई भी डाउट है किसी को तो बताना, क्लियर? एक चीज तुम्हें और बताई थी, बताओ क्या सर, आर को कॉमन ले सकते हैं क्या? कॉमन आएगा, जो कांस्टेंट होता है वो कॉमन आता है, तो 16 टाइम्स आर आर इज इक्वल टू 1 to 15 माइनस सिग्मा आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 to 15। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अपने 16 टाइम्स कैसे किए उसने? बेटा सुनो ये है, सुनो ध्यान सुनो, इनको ध्यान सुनना। सबसे पहले आप आर इज इक्वल टू 1 पुट करोगे 16 इनटू 1, देन आर इज इक्वल टू 16 इनटू 2। क्या इसमें से 16 कॉमन नहीं आ सकता क्या?
लाइक ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ प्लस ए जी, तो ए कॉमन आएगा ना. हाँ. तो कॉन्स्टेंट्स कॉमन आते हैं, ध्यान रखना. क्लियर? ओके. अब तुम्हें एक चीज में बता देता हूँ, शायद तुम्हें वो नहीं पता होगा, पहले वो सुन लो अच्छे से. ये सिक्वेंस एंड सीरीज का कंसेप्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. सुनो, देखो सिग्मा आर, आर इज इक्वल टू वन टू एन. सिग्मा आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू वन टू एन. और सिग्मा आर क्यूब, आर इज इक्वल टू वन टू एन. अभी यार तुम लोग इन चीजों को सीख लो, तुम टेंथ क्लास में आ गए हो सभी, तो ये तुम्हें आना चाहिए. ठीक है? ओके, एक सेकेंड. सिग्मा आर का मतलब क्या है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू एन. क्लियर? सिग्मा आर स्क्वायर का मतलब सबसे पहले 1 पुट किया 1 स्क्वायर, 2 पुट किया 2 स्क्वायर, 3 पुट किया 3 स्क्वायर, और सबसे लास्ट में क्या पुट करोगे? एन स्क्वायर. सिग्मा आर क्यूब का मतलब सबसे पहले 1 पुट किया 1 क्यूब, 2 पुट किया 2 क्यूब, 3 पुट किया 3 क्यूब, और एन पुट किया एन क्यूब. क्लियर? हाँ. ये तीन एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो हमें पता होना ही चाहिए, और इनके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं. इनको अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, स्टार्टिंग वन से ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि टू से स्टार्टिंग हो रहा है या थ्री से हो रहा है, नहीं चलेगा. जीरो से हो सकता है, क्योंकि जीरो समेशन ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं आता. ओके. तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू. इसको मैं प्रूफ करके वेरीफाई करके बता दूंगा. प्रूफ करके तो मैं सिक्वेंस एंड सीरीज में बताऊंगा, वेरीफाई करके बता दूंगा अभी. क्लियर? हाँ. नेक्स्ट, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एंड दिस इज क्या हो रहा है, एन, एक सेकेंड है, थोड़ा वर्क नहीं कर रहा. ओके, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Clear? और ये third one, ये होता है first one का ही whole square. अभी रुक जाओ, दो मिनट नोट मत करो, इसको समझ लो. देखो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा. लाइक सपोज करो आपको कैलकुलेट करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5. एक कैलकुलेट करना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर. और एक कैलकुलेट करना है मेरे को 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब. तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो. n इज इक्वल टू कितना पुट करोगे यहाँ पे? 5. तो ये हो गया 5 इंटू 6 अपॉन 2, यानी कि 15. इसको n इज इक्वल टू कितना पुट करोगे बोलो? 5. यानी कि 5 n प्लस 1 स्क्वायर 2n प्लस 1 यानी 11. 2 into 5, 10 plus 1, 11 upon 6. 55. और ये होता है n into n plus 1 upon 2 का whole square, यानी कि 225. 220. नहीं, एक सेकेंड. ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो डन. अब तुम देखो इसको ऐड करके देख सकते हो, सेम ही आ रहा होगा सब कुछ. 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, correct? 1 square, 2 square, 3 square, 9, 4 or 1, 14. और ये हो गया 16, यानी कि 30, plus 25, यानी 55. Clear? 4 cube, 64, plus 27. तो 64, 71, यानी कि 91. और ये है 5, यानी 100. और 125 यानी कि 225. क्लियर? हाँ. चलो ओके डन. अब वापस क्वेश्चन में आ जाओ, नोट कर लेना बाद में इसको, क्वेश्चन में आ जाओ पहले. यहाँ पे सिग्मा आर, आर इज इक्वल टू 1 टू 15, तो एन इज इक्वल टू कितना पुट करना है यहाँ पे? एन इज इक्वल टू 15. 15. और यहाँ पे n is equal to भी पुट करोगे 15, तो ये हो जाएगा 16 into, मैं 15 पुट कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो 15 into 16 upon 2, 8 times cancel, 15 8 जा 120, माइनस अभी ये 15 पुट कर रहे हैं, सो 15 16 31 upon 6,
एक बार कैलकुलेट करो कितना आता है, 15, 16, 31 अपॉन 6, तो 3, 8, 1240, 40 into 31, 1240, करेक्ट, ये हो गया 0, माइनस 1240, तो कितना आ गया फाइनली, 580, तो आंसर है इसका 580. ये फॉर्मूले नोट कर लो, ये आपको पता होना चाहिए. 680 आना चाहिए वो. क्या बोल रहे बेटा? 680 आता है. 680 आ रहा है क्या? हाँ 680 आएगा, डन. 680. ओके. जस्ट फॉर्मूले नोट कर लो, काफी है. बाकी मैं ग्रुप पे शेयर करता हूं उनसे. बस फॉर्मूले ना, केवल फॉर्मूले नोट कर लो, और ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए. एक तो एबीसी अरिथमेटिक में है, तो मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. एबीसी ज्योमेट्रिक में है, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म. और ये फॉर्मूले. सिग्मा का टेंशन बिल्कुल मत लो यार, अभी सारे क्वेश्चन हम लोग सिग्मा पे ही करते हैं. एक्चुअली जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वहाँ पे सिग्मा ही यूज होता है, क्योंकि आप 1+2+3+4 up to 100 लिखने नहीं बैठते, तो उस पूरे समेशन की जगह हम लोग ये सिग्मा यूज करते हैं. सिग्मा के कुछ प्रॉपर्टीज है, प्लस माइनस में है सिग्मा सेपरेट, कॉन्स्टेंट है सिग्मा कॉमन, बस. चलो ओके, नोट हो गया, हो गया ना. मैं रिमूव कर रहा हूं इसे अभी. और कोई डाउट इसके अंदर? अरे 18 ट्राई कर लेना, भी हो जाएगा. क्या बोल रहे हो? 18th यार, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है 18th भी. ये बताता हूँ मैं तुम्हें, इसको सेपरेट समझाना पड़ेगा मेरे को पूरा. ये एक्चुअली तुम्हें याद है हम लोगों ने वो प्रॉपर्टी पढ़ा था, जब हेड सेम होते हैं और टेल में वन डिफरेंस होता है, तो हेड को इंक्रीज करते हैं और ग्रेटर टेल एज इट इज रहता है. यही पढ़ा था. ये क्वेश्चन उसी के ऊपर एक्चुअली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन किए थे उस प्रॉपर्टी में, और इस टाइप से क्वेश्चन भी बनते हैं. समझ लो, चलो तुम लोग समझ लो ये क्वेश्चन है यहाँ पे. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अच्छा, कोई मेरे को बताएगा ये मैं 4 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहा हूं इस स्क्रीन को? पता नहीं सर. एक्चुअली ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करने, लाइक होता क्या है ना, सपोज करो मैं इसको डिवाइड नहीं करता हूँ, तो ये पूरा पेपर मेरे फोन की स्क्रीन बनेगा. तो मैं अपने फोन पे कुछ लिखता हूँ ना, तो वो यहाँ से यहाँ तक यूज होगा. अभी सपोज करो मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो ये स्क्रीन बनता है. तो एक्चुअली एक बोर्ड से 4 बोर्ड बन गए ऑटोमेटिकली, समझे? तो इसलिए ओके, चलो देखते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो देखो प्रॉपर्टी ये था, प्रॉपर्टी में भी नहीं लिख रहा हूँ फिर से, कि जब हेड सेम होता है और टेल में वन डिफरेंस होता है, तो आप हेड को 1 से इंक्रीज करते हो और ग्रेटर टेल एज इट इज रहता है. उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, एक बार मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चंस किए थे. लाइक एनसीआर, थोड़ा फास्ट समझना इनको क्योंकि हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी. जैसे ये क्वेश्चन किया था,
इसके अंदर आप क्या करते हो, इसको टू टाइम्स को वन टाइम और वन टाइम में ब्रेक कर देते हो, डन। फिर आप इसे ऐड करते हो तो ये बनता है एन प्लस वन सी आर प्लस वन, हेड वन से इंक्रीज ग्रेटर टेल एज इट इज। यहाँ पे भी सिमिलरली हेड वन से इंक्रीज और ग्रेटर टेल एज इट इज। बताओ अरे इसमें एक पैटर्न जैसे जैसे पास्कल्स पिरामिड में था ना 1 2 1 फिर 1 3 3 1, नहीं वैसा नहीं, जिसकी पार यानी इसकी पार जैसे 2 आती है ना पास्कल्स पिरामिड में, तो फिर n प्लस 2 करना पड़ता है। नहीं यार वो अलग है, ये अलग है, तुम थोड़ा समझने का ट्राई करो अभी। यानी ऐसे शॉर्टकट के लिए, चलो ठीक है अच्छी बात है। अब ये समझ में आया तो मैं n प्लस 2 cr प्लस 2, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया था, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने वो भी किया था 14641 वाला, जिसके अंदर कोफिशियंट थे 14641। तो पहले 11 के पेयर बनते हैं, फिर 33 के पेयर बनते हैं, फिर 33 के पेयर बनते हैं, फिर 1 के पेयर बनते हैं। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तुम लोग ट्राई करोगे, दो तीन क्वेश्चन करोगे तब वो शीट वाला क्वेश्चन होगा। सपोज करो ये क्वेश्चन है 2C2, 3C2, 4C2, 5C2, और मान लेता हूँ सबसे लास्ट में है यहाँ पर 100C2। ये ऐड करना है आपको 2C2 प्लस 3C2 प्लस 4C2 प्लस 5C2 अप टू 100C2। इसको आपको जस्ट वन कोफिशियंट के अंदर चेंज करना है। कैसे करते हैं समझने का ट्राई करना भी है ना। ओके आप मेरे को ये बताओ 2C2 और 3C2 ऐड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का हेड भी डिफरेंट है। तो एडिशन प्रॉपर्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, दोनों हेड होने चाहिए सेम, और टेल में कितना डिफरेंस होना चाहिए? तो मेरे को ये बताओ 2C2 में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ वो बताओ। या तो 2C1 ऐड होगा या फिर 2C3 ऐड होगा, लेकिन 2C3 होता नहीं ना। बिल्कुल नहीं होता, सही है। तो ये तो ऐड नहीं होगा, और इन दोनों का एडिशन क्या आ गया? 3C2। हाँ डन। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे 3C2 और 3C2 सेम आ गया है, तो कोई चेन नहीं बन रहा है यहाँ पे। हाँ अब तुम समझते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक काम करो, इस टर्म को मैं स्किप कर रहा हूँ, इस टर्म को हम लोग एक मिनट के लिए स्किप कर रहे हैं। आप ये बताओ इसमें क्या ऐड हो सकता है? 2C1 और 3C3। हाँ बोलो। सारा एडिशन करके वही डिजिट्स अगले अगले रिपीट हो जाए होते जाएंगे। करते रुको एक मिनट। अच्छा इन दोनों के एडिशन से क्या आएगा बताओ? 4C2। हाँ तो इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि वो सेम आ गया है। अब तुम ध्यान से देखना इनको ऐड करो क्या आएगा। 4C3। दिस 4C3 विल ऑटोमेटिकली एडेड इन दिस। ये क्या आ गया? 5C3 बन जाता है। 5C3। ये क्या बन गया? 101C3 हो जाएगा। बेटा रुक तो जाए एक मिनट के लिए। ये हो गया 6C3। आप ये बताओ इसके पहले क्या आ रहा होगा? 100C3। अच्छा आप मेरे को ये बताओ यहाँ पे कि मैंने एक्स्ट्रा ऐड क्या किया फाइनली यहाँ पे? फिर 3C3 ऐड किया ना। हाँ बाकी सारे टर्म्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये टर्म हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये हटाया, ये सब हटा दिया। बेसिकली आप इंक्रीजिंग ही ऐड करते हो हमेशा, ठीक है। एक मिनट, चलो डन। तो आपने 3C3 ऐड किया तो वो आप सबट्रैक्ट भी करोगे, क्योंकि आप ऐड करते हो तो सबट्रैक्ट भी करते हो, डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लाई भी करते हो, समझ आया? हाँ सर। तो और ये 2C2 और ये 3C3 क्या हो जाएगा?
क्योंकि 2c2 भी 1 होता है और 3c3 भी 1 ही होता है. बेटा बेसिकली मैंने 3c3 ऐड किया और 3c3 ही क्या किया है, सबट्रैक्ट किया है. जो आप ऐड करते हो ना वो आप माइनस भी करते हो. हाँ तो ये टर्म रह गया था ना स्टार्टिंग में, देखो अरे मैं शीट देख रहा हूँ. तो दिस टर्म एंड दिस टर्म कैंसिल आउट. तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया बताओ, 101c3. करेक्ट, यही आंसर है इस क्वेश्चन का. मतलब ये सारे कोफिशिएंट्स ऐड होके ये बनेंगे. इसको इसको कुछ बुक्स पे हॉकीस्टिक थ्योरम भी लिखा होता है, मेरे को नहीं पता क्यों लिखा होता है, कोई यूज नहीं है इस हॉकीस्टिक वर्ड का, समझ लो बस ऐसे. चलो इसका आंसर बताओ कितना आएगा. गलत आंसर है. श्रवण तुम्हारे बैकग्राउंड में काफी नॉइज हो रहा है, तो तुम्हें कोई डाउट पूछना है तो अनम्यूट करो वरना रहने दो.
ओके बताओ क्या आंसर है. हाँ बिल्कुल ये आंसर आएगा. अब तुम लोग समझो थोड़ा. देखो इसमें आपने ऐड किया होगा 21c5 लेकिन माइनस भी करोगे. पहले तो क्या है वो 2c2 और 3c3 कैंसिल हो गया था, अभी नहीं होगा ना. तो इनका एडिशन क्या आ गया 22c5 23c5. सिमिलरली इससे पहले आएगा 30c5 तो ये हो गया अभी 31c5. तो फाइनल आंसर इज दिस एंड दिस. ये आंसर है. गैलेक्सी S9 प्लस किसका है यहाँ पे? चलो डन. कोई डाउट? अच्छा इसका इन क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो भी देखो. टेल सेम होता है यहाँ पे, ध्यान रखना. क्या सेम होता है? टेल. और हेड चेंज होता है. क्लियर? लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि यहाँ पे हेड भी चेंज हो रहा है और टेल भी चेंज हो रहा है. तो एक एक से बढ़ते हाँ. जबकि अभी जो क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस के अंदर तुम देखना ध्यान से, हेड चेंज हो रहा है लेकिन टेल सेम है. क्या करोगे बताओ? देखो क्वेश्चन है ये. अच्छा वन को मैं यूज कर रहा हूँ NC0. चलो देखते हैं कौन करता है इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है. बेटा ये तो फाइनल टर्म लिखा हुआ है जो तुम बोल रहे हो. सर एन प्लस आर सी आर. एन प्लस आर सी आर नहीं. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे इसके पहले उन सब में हेड चेंज हो रहा था और टेल फिक्स था. 21C4, 22C4, 23C4, 24C4. ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों चेंज हो रहे हैं तो इसमें क्या करोगे आप? इसमें आप ये कर सकते हो, NC0 को लिख सकते हो NC(n-0) यानी n. या फिर NC0 का एक काम करो, वन ही रहने दो इसको, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एलिमेंट. इसको वन ही रहने दो. इस NC1 को आप लिख लो NCn-1. इसे आप लिख सकते हो N+1Cn-1. NCr=NCn-r. ये आप लिख दो. हाँ बोलो.
एन प्लस आर माइनस माइनस वन प्लस वन सी आर प्लस वन. हाँ ऐसा ही कुछ आंसर आने वाला है. ये आंसर है. ठीक है देखते हैं, मिनट रुको. अच्छा ये समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? इन सबके टेल से हम बना लिए हैं. ये प्रॉपर्टी यूज किया हम लोगों ने, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर. हाँ अब अभी ये क्वेश्चन वही बन गया जो पहले था. इसमें क्या ऐड करोगे आप बताओ? एनसीएन ऐड करोगे इसके अंदर, इंक्रीजिंग ऐड करते हैं और माइनस भी कर दोगे. इन दोनों का एडिशन क्या आएगा बताओ? हेड वन से इंक्रीज ग्रेटर टिल एज इट इज. इन दोनों का एडिशन हेड वन से इंक्रीज ग्रेटर टिल एज इट इज. इन दोनों का एडिशन हेड वन से इंक्रीज ग्रेटर टिल एज इट इज. तो देखो इस टर्म से पहले मेरे को मिल रहा होगा यहां पर एन प्लस आर माइनस वन सी एन आ रहा होगा, और इन दोनों का एडिशन आ जाएगा हेड वन से इंक्रीज एन प्लस आर सी ग्रेटर टिल एज इट इज एन. क्लियर? ओके अब इस माइनस एन सी एन और इस वन को क्या कर दो आप? कैंसिल आउट. तो फाइनल आंसर है एन प्लस आर सी एन. ये आंसर फाइनल है. इसे नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो, आज इतना ही पढ़ता हूं. सर ये आंसर है? हाँ ये आंसर है. सर ये बायनोमियल कौन सा लेक्चर था? क्या बोलो बेटा? बायनोमियल कोएफिशिएंट का फोर्थ लेक्चर था ना? एक्चुअली अभी तक हम लोगों के सिर्फ फाइव लेक्चर्स हो गए टोटल. ओके ओके ये फिफ्थ लेक्चर था. हाँ ओके फोर्थ लेक्चर में हम लोगों ने उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं और उसके कोएफिशिएंट्स वगैरह स्टडी किए थे. हाँ ठीक है चलो ओके इतना ही पढ़ते हैं आज, है ना? एक मिनट ये लिखना है सर. हाँ बोलो. विश्वल है ना, गलती से ग्रुप से लेफ्ट हो गया है इसलिए उसको फिर से ऐड करना है, उसने मुझे कहा. किसने कहा? विश्वल ने. ठीक है मेरे को व्हाट्सएप कर देना फिर, है ना? एक्चुअली ग्रुप पे ना सिर्फ एडमिन मैसेज कर सकते हैं, ऐसा मैसेज है. बेटा पर्सनल मैसेज कर दो. हाँ उसका नंबर. अरे यार जिसको ऐड करना है उसको उसका मैसेज करोगे ना? हाँ वही विश्वत का नंबर. हाँ मतलब विश्वत को ही ऐड करना है ना? हाँ ये तो उसी का नंबर व्हाट्सएप करोगे और क्या. हाँ वही चलो ओके है ना, इसको नोट करो. ठीक है.